arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। इतिहास जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी हमें जिन माध्यमों के द्वारा प्राप्त होती है उसे साधन कहते हैं। इन्हीं तथ्यगत साधनों के आधार पर इतिहासकार इतिहास लेखन का कार्य करता है। सरलता की दृष्टि से भारतीय इतिहास के जानने के साधनों को मूलतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। इस स्रोत के अंतर्गत साहित्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, जिसमें ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का साहित्य आता है। दूसरा है लौकिक साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक और समसामायिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिसमें यूनानी, चीनी, तिब्बती और मुस्लिम यात्रियों के वृत्तांत शामिल हैं। तीसरा है संगम साहित्य। आओ सबसे पहले जानते हैं धार्मिक साहित्य को विस्तार से। इसमें सबसे पहले आता है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, स्मृतियां, महाकाव्य और पुराण। आइए इसे हम अच्छे से जानते हैं। पहला है वेद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में प्रमुख स्थान वेदों का है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग का अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो ऋग्वेद कहलाता है। इतिहासकारों ने ऋग्वेद की रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद काल में आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उस काल के राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। सामवेद। साम का अर्थ है गान। सामवेद ऐसा वेद है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति करते हुए गाए जाते हैं। यह वेद गान प्रधान है। इतिहासकारों ने इस वेद का रचना काल 1000 से 500 ईसा पूर्व माना है। यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। इस वेद में अलग अलग प्रकार की यज्ञ करने की विधियां बताई गई हैं। इसी कारण यह यजुर्वेद कहलाता है। अथर्ववेद। इस वेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं। इसमें 40 अध्याय हैं, जिसमें औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि का भी वर्णन है। दूसरा है ब्राह्मण। यज्ञ और कर्म कांडों की जटिलता समझने के लिए एक नए साहित्य का उदय हुआ, जिसे ब्रह्मा साहित्य कहते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ। इसलिए यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए, जिसमें प्रमुख है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और गोपत ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में तीसरा है आरण्यक। ऐसे ग्रंथ जो वन में पढ़े जा सके आरण्यक कहलाए। 6 आरण्यक उपलब्ध हैं: ऐतरेय आरण्यक, तैतरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, बृहदारण्यक आरण्यक, शाखायन आरण्यक और तल्वकार आरण्यक। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में चौथा है उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषाद का अर्थ है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ वह ज्ञान है जो गुरु के समीप बैठकर ग्रहण किया जाता है।
उपनिषद का अर्थ आत्मज्ञान से भी माना जाता है, जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ला दे। उपनिषदों में प्रमुख हैं ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, मैत्रायणी और छांदोग्य आदि। उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। उपनिषदों ने नवीन धार्मिक दर्शन प्रदान किया है। उपनिषद में आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, ऐसे कठिन प्रश्नों पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। उपनिषदों का अनुवाद अंग्रेजी, फारसी, जर्मन और फ्रांसीसी आदि विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने उपनिषदों के विषय में लिखा है कि उपनिषद संसार के साहित्य में सदा महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे और प्रत्येक काल और प्रत्येक जाति में वे मनुष्य मात्र की मानसिक उन्नति के प्रतीक रहेंगे। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में पांचवा स्थान है वेदांग का। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। वेदांग छह है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में छठवा है स्मृतियां। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान हमें स्मृतियों से प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति आदि महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में सातवा है महाकाव्य। भारत में दो प्राचीन महाकाव्य हैं। पहला रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और दूसरा स्थान है महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी, जिसमें हमें तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक अवस्थाओं के विषय में बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है। आठवां ब्राह्मण ग्रंथ है पुराण। ये हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथ हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इनमें संसार की उत्पत्ति, देवताओं के पराक्रम तथा प्राचीन इतिहास के वृत्तांत लिखे हैं। पुराण 18 हैं। पुराणों में प्राचीन भारत के राजवंशों और उनकी वंशावलियों की तिथि क्रमता की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण इनमें प्रमुख हैं। पुराण लगभग ईसा की पहली शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक लिखे गए थे। विष्णु पुराण में पुरु वंश और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के शासकों का ज्ञान प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन धर्म ग्रंथ में सर्व प्रमुख जैन आगम है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण हैं। जैन आगम की रचना विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हुई। भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अन्य महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व। इस ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने 12वीं सदी में की थी। जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी जैन धर्म और उस काल की राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। कल्प सूत्र भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। जैन साहित्य के बाद अब जानते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। पहला है त्रिपिटक। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करने में बौद्ध धर्म ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसमें सुत्तपिटक, विनयपिटक, अभिधम्मपिटक सम्मिलित हैं। सुत्तपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों, धार्मिक विचारों और वचनों का संकलन है। विनयपिटक में बौद्ध संघ से संबंधित आचार विचार और नियमों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। बौद्ध साहित्य में दूसरा स्थान है जातक का। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित 549 कहानियां हैं जातक में।
जो जातक कहानियां कहलाती हैं। संभवतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जातकों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि सांची और भरहुत के स्तूपों में जातक दृश्यों का अंकन किया गया है। अन्य बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में भी भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हों में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु का वार्तालाप है। बौद्ध साहित्य के बाद अब जानते हैं लौकिक साहित्य को। ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ है लौकिक साहित्य। धर्म ग्रंथों के अलावा प्राचीन काल में कई ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों की रचना भी हुई, जिससे हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ऐसे ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला, अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस ग्रंथ की रचना की, जिससे मौर्य कालीन शासन व्यवस्था का ज्ञान मिलता है। दूसरा है अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा लिखित इस ग्रंथ से मौर्य काल से पहले के भारत की जानकारी मिलती है। तीसरा है मुद्रा राक्षस। इस नाटक को विशाखा दत्त ने लिखा था। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य द्वारा नंद वंश के नाश का विवरण है। चौथा है नीतिसार। नीतिसार की रचना कामकंद ने की। इसमें गुप्त काल की जानकारी है। पांचवा है महाभाष्य। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। यह ग्रंथ शुंग वंश पर प्रकाश डालता है। छठवा, कालिदास के ग्रंथ। मालविका अग्निमित्र ग्रंथ से शुंग वंश और रघुवंश की कृति से गुप्त वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अन्य ग्रंथ अभिज्ञान, शाकुंतलम, ऋतु संहार और मेघदूत हैं। सातवा, हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है, जिसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। आठवा है गौड़वहो। वाक्पति कृत गौड़वहो ग्रंथ में कन्नौज शासक यशोवर्मा का उल्लेख है। नौवा है विक्रमादेव चरित। इसे विल्हण ने लिखा है, जिसमें चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। दसवा है राज तरंगिणी। कल्हण द्वारा रचित यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह 12वीं सदी में रचित है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ग्यारवा है पृथ्वीराज रासौ। चंदर बरदाई कृत इस ग्रंथ से चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज के संबंध में जानकारी मिलती है। और अब जानते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम है हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। ये 484 ईस्वी पूर्व से 431 ईस्वी पूर्व थे। इनकी कृति हिस्टोरिका है। इसमें भारत सहित अनेक देशों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरा है नियारकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। यूनानी लेखक सिकंदर के साथ ये भारत आए थे। इन्होंने भारत का विवरण लिखा है। तीसरा, मेगस्थनीज। यूनानी सम्राट सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत भेजा था, जिसका नाम मेगस्थनीज था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें मौर्य कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा है डीमेकस। मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजा ने अपना दूत डीमेकस भेजा था। पांचवा यूनानी लेखक है स्ट्रेबो।
इसके भूगोल नामक ग्रंथ में बहुत सारे देशों का विवरण मिलता है। छठवां है प्लीनी। प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना प्लीनी ने की, जिसमें भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों का वर्णन है। और यूनानी लेखकों के बाद अब पढ़ते हैं चीनी लेखकों के वर्णन के बारे में। पहला, स्याहान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में 399 ईस्वी में भारत आया। 14 वर्ष तक भारत में रहकर बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन इसने किया। स्याहान के ग्रंथ में तात्कालीन बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। पाहियान के ग्रंथ गुप्त काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। भेनसांग। यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। इन्होंने उत्तर भारत का परिभ्रमण किया। वह मठों, विहारों, स्तूपों में गया। भेनसांग ने हर्षकालीन धार्मिक व्यवस्था के साथ साथ राजनैतिक स्थिति का भी वर्णन किया। भेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में हर्ष, उसकी राजधानी, उसकी सभाओं, शासन प्रबंध और तात्कालीन सामाजिक और धार्मिक अवस्था का वर्णन किया। यह ग्रंथ ऐतिहासिक सामग्री का कोष है। इसके महत्व के विषय में डॉक्टर बी एस स्मिथ ने कहा है, भेनसांग के ग्रंथ ठीक ऐतिहासिक जानकारी देने वाला ऐसा कोष है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है और इसने अज्ञात भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण में इतनी सहायता दी जितनी संभवतः किसी भी पुरातत्व संबंधी खोज ने नहीं दी। भेनसांग के लेखों से भारतीय भूगोल की जानकारी और प्राचीन स्मारकों को पहचानने में सहायता मिली है। भेनसांग ने भारत के दार्शनिक विकास पर प्रकाश डाला क्योंकि उसने नालंदा विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरा, इत्सिंग। सातवीं सदी के अंत में इत्सिंग चीनी यात्री भारत आया और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। ये तो थे चीनी लेखक। और अब बारी तिब्बती लेखकों की। तिब्बती यात्री लामा तारानाथ ने दो ग्रंथ कम्यूर और तंग्यूर 12वीं शताब्दी में लिखे। अब जानते हैं अरब लेखकों के बारे में। पहला, सुलेमान। सुलेमान नामक अरबी लेखक भारतवर्ष में 9वीं सदी के मध्य में आया। इसने पाल वंश और प्रतिहार वंश के संबंध में जानकारी दी। दूसरा, अलम सूदी। यह 941 ईस्वी में भारत आया था। तीसरा, अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था। उसने तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना की जिसमें उसने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, भूगोल, गणित आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं संगम साहित्य को। प्राचीन तमिल ग्रंथ संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। विभिन्न राजाओं द्वारा भिन्न भिन्न समय में जो साहित्यिक सभाओं का आयोजन किया गया उसमें कवियों ने इन ग्रंथों की रचना 3-4 सदियों में की थी। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं, इसलिए यह साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम ग्रंथों में धार्मिक तथा सामाजिक इतिहास की सामग्री का प्रचुर भंडार है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में तमिलनाडु के लोगों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के संबंध में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होने का एकमात्र स्रोत संगम साहित्य है। अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।